जय हिंद बच्चों, आज हम मैथ्स में पेज नंबर 20 करेंगे। आज हम करेंगे प्लेस होल्डर्स। जो संख्या बड़ी है आपको उसकी तरफ एरो का निशान लगाना है, और जो संख्या इक्वल है, बराबर है, आपको उसकी तरफ इक्वल का निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, अब पहले दिया है 6 और 2, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 6। आपको 6 की तरफ एरो लगाना है। अब नेक्स्ट है 4 और 5, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 5। आपको 5 की तरफ एरो लगाना है। अब नेक्स्ट है 9 और 9, ये संख्या क्या है? इक्वल है, तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल का निशान। अब नेक्स्ट है 1 और 3, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 3। आपको 3 की तरफ एरो का निशान लगाना है। अब नेक्स्ट है 7 और 8, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 8 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 15 और 18, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 18 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 14 और 12, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 14। हम 14 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 17 और 19, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 19 की तरफ हम एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 20 और 16, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 20। हम 20 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 29 और 29, ये दोनों संख्या इक्वल है, हम इक्वल का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 41 और 40, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 41 की तरफ एरो लगाएंगे हम। अब नेक्स्ट है 47 और 33, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 47 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 31 और 41, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 41 की तरफ एरो लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 50, ये संख्या क्या है हमारी? इक्वल, यहाँ हम इक्वल का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है 34 और 27, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? 34 की तरफ इक्वल का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा है वैसे ही आप करिएगा, और इसका बाकी का आप होमवर्क में करिएगा। जय हिंद बच्चों।